यहाँ पे एक रोबोट है जो कि फोटो खींचता है, देखो फोटो खिंचवा रहे ना, चलो मैं खींचता हूँ। ये फ्री में है, फ्री में है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, सुबह के 4 बज चुके हैं पूरे, एडिटिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर निकलना है रेडी होके इंडिया के लिए वापस। अभी मैं हूँ साउथ कोरिया में, आपने देखा होगा 3-4 दिन रुका है, हम मस्त घूमे। तो आज फ्लाइट है मेरी, सुबह 6 बजे मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। मैं रात भर सोया ही नहीं, मैं एडिटिंग ही कर रहा था, और मेरी फ्लाइट है, मेरी 10 घंटे की फ्लाइट है, तो मैं फ्लाइट में सोया रहूंगा, फ्लाइट में क्या ही करूंगा, इसीलिए मैं रात को सोया ही नहीं। अभी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है मेरी, अकेले जा रहा हूँ मैं साउथ कोरिया से इंडिया, और कनेक्टिंग फ्लाइट है, बैंकॉक जाएगी। तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा बैंकॉक का, मतलब आते हुए मैं हांगकांग आया था और अब जाते हुए बैंकॉक। एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसको अपलोड पे लगाता हूँ और सारा सामान पैक करता हूँ निकलने के लिए। तो भी गाइज, मस्त नहा के रेडी हो गया हूँ, और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मैंने मस्त नहा लिया, बिकॉज कल तो पूरा दिन मैं फ्लाइट में रहूंगा ना, तो नहा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अभी नहा लिया मस्त। तो भी सारा सामान भी पैक कर लिया मैंने, इस वाले सूटकेस में भी, इस वाले में भी, ये मैं इंडिया से लेके आया था, ये मैंने कोरिया में खरीदा, और इसमें जो भी सामान है ना भाई, सारी मैंने शॉपिंग कर रखी, मतलब इतनी सारी शॉपिंग की मैंने अब की बार। और इन सब के बैग दिखाता हूँ आपको, कितने सारे हैं ये देखो, कितने, इनको तो यहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, सारा सामान मैंने बैग में डाल लिया ना। चलो भाई, मेरे तीनों बैग रेडी हैं, सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके वो आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्यों अपनी नींद खराब की? नहीं, इसमें आपको, आप नींद में लग रहे हो। नहीं, मैं चले जाता ना। इट्स फाइन यार, एंड तक छोड़ना पड़ेगा। तो गाइज, मेरी कैब आ गई है, मतलब मेरे अकेले के लिए इतनी बड़ी गाड़ी मंगा दी इन्होंने, देखना। तो एयरपोर्ट क्यों आ रहे हो? एयरपोर्ट तो चला जाऊंगा मैं, एयरपोर्ट क्यों आ रहे हो? एयरपोर्ट तक कोई प्रॉब्लम हो गई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्यों होगी यार? अरे नहीं, हम भी घूम लेंगे थोड़ा एयरपोर्ट। थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। अब आप हमारे साथ में एयरपोर्ट नहीं आओगे, बिकॉज आप जाओगे, आओगे आपको बहुत टाइम लगेगा, आप सो जाओ जाके, आपको नींद आ रही है, तो हम, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, मुझे भी, आप एयरपोर्ट नहीं आओगे, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि आपको आना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, नींद पूरी नहीं होगी, बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैं तो जाऊंगी। अरे नहीं ना, प्लीज, अरे आपको वापस भी आना पड़ेगा यार। पू मानी नहीं, और साथ चल रही है, देखो मेरे एयरपोर्ट तक। तो गाइस, फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए, और देखो उजाला हो गया है। तो गाइस, बोर्डिंग पास मिल गए, दो मिले हैं, एक यहाँ से बैंकॉक के, एक बैंकॉक से दिल्ली के। थैंक यू, थैंक यू, ओके, बाय बाय बाय, आराम से जाना, बाय 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 बाय। तो गाइस, अब मैं अकेला हो गया फिर से, यहाँ सिर्फ लैपटॉप, आईपैड और फ़ोन रखना है बस, तारे ने, सारे तारे ने निकाली। गाइस, काफ़ी जल्दी आ गया हूँ एयरपोर्ट पर, टाइम देखो 7:30 बज गए, 9:30 बजे की फ्लाइट है, अब 2 घंटे ऐसी डोलना है यहाँ पर। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास बिजनेस क्लास की टिकट है, मैं तो लाउंज में जाके बैठ सकता हूँ, तो लाउंज में चलते, चलो। ये देखो इतनी बड़ी मकड़ी भाई, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, इंडियंस है ही नहीं, मतलब एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला, एक भी, 3-4 दिन में एक भी नहीं मिला, एक भी इंडियन नहीं मिला, किसी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या व्लॉग बना रहा हूँ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं दुबई गया था, वहाँ तो सारे इंडियंस थे, लंदन में भी बहुत सब्सक्राइबर मिले, बहुत इंडियंस थे, श्रीलंका गया था वहाँ भी इंडियंस थे, बट भाई यहाँ नहीं मिल रहे। चलो भाई, लाउंज में आ गया हूँ, चलो अब कुछ खा लेते हैं प्लेन में जाने से पहले, सैलेड भी है, सैलेड खाऊंगा। तो गाइस, अब यहाँ बैठता हूँ, मस्त सीट मिल गई, देखो यहाँ चार्ज भी कर सकते हैं मस्त। यहाँ पे एक रोबोट है जो कि फोटो खींचता है, देखो फोटो खिंचवा रहे ना, चलो मैं खींचता हूँ। ये फ्री में है, फ्री में है, यस, आई थिंक फ्री में है। आप कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से, अरे वाह, फोकस कर ले यार। मेरे को वो रोबोट पसंद आ गया यार, मुझे भी चाहिए वैसा कुछ वीडियो बनाने के लिए, वो तो काफी बड़ा था ना, कोई ऐसा हो जो फोल्ड करके बैग में आ जाए, और मतलब उसको ले जा सकूं साथ में। तो अभी प्लेन रेडी हो रहा है, फाइनली जा रहा हूँ प्लेन में, प्लेन के अंदर तो आ गया, आज विंडो सीट मिल गई गाइस फाइनली। ये कंबल है, ये तकिया है, ये स्क्रीन है सामने, और सबसे मेन यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो इतने सारे बटन है एडजस्ट करने के लिए, और ये टेबल है कुछ इस तरह से, आइस टी। थैंक यू। ये हमारा रनवे, यहाँ से उड़ेंगे हम। तो गाइस, बैंकॉक पहुंचने वाले हैं, और टाइम देखो
2:30 बज चुके हैं, मस्त हो गया था मैं तो। चलो भाई थाईलैंड भी आ गया, मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है 5 बजे की। देखो अब गाइस 5 घंटे यहाँ वेट करना है मुझे, तो अब चलते हैं लाउंज में कुछ खाएंगे, भूख लग रही है बहुत। तो गाइस यहाँ से मैं ले रहा हूँ घर वालों के लिए ड्राइड फ्रूट, ये बहुत फेमस है यहाँ के, मिक्स फ्रूट है इसमें, मैंगो भी है। तो भी लाउंज में आ गया हूँ, यहीं पे बैठते हैं मस्त। खाने में यहाँ पे सैलेड है, तो ये है मेरा आज का खाना, बस यही खाऊंगा, बाकी सब तो नॉन वेज है यहाँ पे सब। गाइस अब तो मुझे लाउंज घर जैसा लगने लगा है, यहीं पे बैठे रहो, यहीं पे खाते रहो, मस्त काम करते रहो। तो गाइस ये है विष्णु काम अवतार, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, बहुत ज्यादा। भाई भगवान जी को देख के ना अलग ही फीलिंग आती है, मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हमारे कल्चर की तो बात ही अलग है, हर जगह मंदिर भगवान जी। गाइस ये यहाँ की बहुत फेमस डिश है, देखो आम के साथ में चावल, ये स्वीट डिश बहुत फेमस है यहाँ की। यहाँ का नारियल पानी देखो कैसे पूरा भरा हुआ ऊपर तक। गाइस 300 रुपए का एक है, तो बर्गर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ मिल जाएगा वेज बर्गर पक्का। वेज बर्गर फाइनली अब जाके मिला, वेज बर्गर। बहुत भीड़ हो रही है ना, तो देखो तो अब जा रहा हूँ प्लेन में जो कि जाएगा सीधा दिल्ली, रात को 9 बजे पहुंचूंगा दिल्ली, 9-10 बजे तक। सीट नंबर 11F स्पोकट हो गया, मैं अपना बैग भूल गया था फ्लाइट में बैठा, मैंने कहा मेरा बैग कहाँ है, लैपटॉप वाला बैग भाई, मेन बैग मेरा छूट गया, मैं फ्लाइट से वापस आया हूँ, देखता हूँ कहाँ रह गया भाई, फाइनली बैग मिल गया, चलते हैं भाई फ्लाइट का टाइम। फाइनली अब जा रहा हूँ दोबारा प्लेन में, मैं प्लेन में गया मैंने देखा भाई मेरा बैग ही नहीं है, फाइनली आ गया हूँ दोबारा प्लेन में, तो फिलहाल मैं बर्गर खाता हूँ भाई। गाइस एक गुड न्यूज़ है, आज फ्लाइट में इंडियन खाना है, तो फाइनली गाइस इंडियन खाना आ चुका है अपना, मस्त पालक पनीर चावल गुलाब जामुन, आधा रास्ता कवर हो चुका है। गाइस अपने देश की खुशबू ही अलग है यार, इतना मस्त लग रहा है ना यहाँ पे आके, अपना अपना एकदम मस्त। चलते अब सीधा अपने दिल्ली वाले घर पे, पारस भी आ रहे लेने के लिए, सुबह 5:30 बजे निकला था और रात के 9 बज चुके हैं, अब पहुंचा हूं अपने देश। तो ये बैग का वेट कर रहा हूं मैं, एक बैग तो आ गया मेरा। गाइस यहां तो हो रही है गर्मी, साउथ कोरिया का मौसम इतना बढ़िया था ठंडा ठंडा, यहां आते ही गर्मी लगी, मैं जैकेट उतारनी पड़ी मुझे, तो अभी एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूं, वेट कर रहा हूं पारस भैया कहीं पे आ रहे हैं लेने के लिए। पारस भी आ चुके हैं फॉर्च्यूनर लेके। तो भी गाइस गाड़ी मिल गई मुझे, अब जा रहा हूं सीधा घर की तरफ, फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं, टाइम देखो भाई रात के 1 बजने वाले हैं, तो चलो फिलहाल मैं एडिटिंग करूंगा, कुछ खाने के लिए मंगाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच, और बच्चे को देखो मस्त उसी को पकड़ रखा है।